समझेंगे फाइनेंशियल रेशो में से सबसे महत्वपूर्ण रेशो के बारे में। हम जानेंगे लिक्विडिटी रेशो के बारे में। लिक्विडिटी रेशो कंपनी के लोन भुगतान करने की क्षमता को दर्शाती है। अब समझते हैं कि लिक्विडिटी रेशो के प्रकार क्या है और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। लिक्विडिटी रेशो में सबसे पहले आता है करंट रेशो। करंट रेशो कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए कंपनी की करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। इसलिए हमें कंपनी की बैलेंस शीट को रेफर करना होगा। अब हम समझते हैं करंट एसेट है क्या। करंट एसेट मतलब कि वो एसेट जो कंपनी को तुरंत कैश दिलवाती है, जैसे कि इन्वेंट्री, कैश, बैंक बैलेंस, डेटर्स। करंट लायबिलिटीज मतलब वो लायबिलिटीज जो कंपनी को तुरंत पे करनी है, जैसे कि ट्रेड पेएबल्स, गवर्नमेंट टैक्सेस, अक्रूअल्स, सैलरी पेएबल। करंट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें करंट एसेट को करंट लायबिलिटी से डिवाइड करना होगा। यदि कंपनी का करंट रेशियो 1 है तो इसका मतलब है कि कंपनी के पास इतने एसेट है कि वो अपनी लायबिलिटी चुका सके, और यदि करंट एसेट रेशो 2 है तो कंपनी के पास दुगनी एसेट्स है कंपनी की लायबिलिटी चुकाने के लिए। करंट एसेट रेशो जितना ज़्यादा उतनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होती है। एसेट टेस्ट रेशो कैलकुलेट करने के लिए हमें करंट एसेट में से इन्वेंट्री माइनस करनी होगी। इससे हमें पता चलेगा कि मोस्ट लिक्विड एसेट की कैपेसिटी क्या है लायबिलिटी चुकाने की। कैश रेशो कैलकुलेट करने के लिए आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को डिवाइड करना होगा करंट लायबिलिटी से। कैश रेशो इज मोर रिस्ट्रिक्टिव इन कंपैरिजन विद करंट रेशो एंड एसेट टेस्ट रेशो।